हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, कई बार आपकी कुछ इम्पोर्टेंट फोटोज़, वीडियोस, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फाइल्स गलती से डिलीट हो जाते हैं, तो कैसे आप उन्हें रिकवर कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे इस फोल्डर के अंदर ये सारी फोटोज़ है। सबसे पहले इन फोटोज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, रिसाइकल बिन में चलते वहाँ से भी डिलीट कर दी है। तो अभी आप देख सकते हैं पीसी के अंदर से ये फोटोज़ परमानेंटली डिलीट हो चुकी है। लेकिन कैसे डिलीटेड डाटा को आप रिकवर कर सकते हैं? जितना भी आपका पुराना डाटा है, फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, डॉक्यूमेंट, ऑडियो फाइल्स, जो भी आप रिकवर करना चाहते हैं, पूरे प्रॉपरली आप रिकवर कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर से, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड। तो जहां से भी आप रिकवर करना चाहते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट प्रोसेस लाइव आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले टेनोशेयर का ये सॉफ्टवेयर अपने पीसी में आपको डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर टैप करेंगे। सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में आपको इंस्टॉल करना है, थोड़ा टाइम लगाएगा। स्टार्ट नाउ का ऑप्शन आपको मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं फाइनली ये सॉफ्टवेयर अपने पीसी में डाउनलोड हो चुका है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाता है इंस्टॉलेशन करने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट है लोकेशन, लोकेशन आपको सिलेक्ट करनी है डाटा रिकवरी करने के लिए। तो ऊपर आपको सारे फोल्डर्स मिल जाते हैं, लोकल डिस्क, सी, डी, ई। तो जो फोल्डर का डाटा आप रिकवर करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके नीचे कॉमन लोकेशन आपको मिल जाते हैं, डेस्कटॉप पे था वो डाटा। रिसाइकल बिन से अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, सिलेक्ट फोल्डर का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके अंदर से किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर से अगर आप रिकवर करना चाहते हैं डेस्कटॉप, एंड ये सारे फोल्डर आपको मिलते हैं। एडवांस रिपेयर का ऑप्शन आपको मिलता है, तो रिकवर कर सकते हैं डिलीटेड डाटा को क्रैश कंप्यूटर के अंदर से भी। तो अभी हम सिलेक्ट कर लेते हैं लोकल डिस्क सी के अंदर से हम डाटा को रिकवर करेंगे। तो जो स्टार्टिंग में वीडियो को स्टार्टिंग में फोटोज हमने डिलीट की थी, तो वो सी फोल्डर के अंदर से डिलीट की थी। तो सी फोल्डर को हम सिलेक्ट कर देते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं जो प्रोसेस है पूरी स्टार्ट हो चुकी है। तो 0 से 100% तक फुल आपको सबसे पहले ये स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी है। साइड में टाइम भी आपको मिल जाएगा कि इतने टाइम ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसे प्ले एंड पोज भी आप कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं स्कैनिंग के टाइम ये फोल्डर्स आपको मिल जाते हैं। एंड साइड में फाइल व्यू का ऑप्शन आपको मिलता है। फाइल व्यू पे जैसे आप टैप करेंगे, फोटोज, वीडियोस, ऑडियो फाइल, डॉक्यूमेंट्स, मेल, तो ये सारे आपको डाटा मिल जाते हैं। तो इसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो जो डाटा आप रिकवर करना चाहते हैं पूरा लोकल डिस्क सी के अंदर जितना भी डिलीटेड डाटा था एंड अभी जो डाटा मौजूद है वो सारा आप रिकवर कर सकते हैं। तो सिंपली हम फोटोज को आपको रिकवर करके दिखाएंगे। तो फोटोज के अंदर भी आप देख सकते हैं किस कैटेगरी की फोटो आपको रिकवर करनी है, पीएनजी, जेपीजी, जिप फाइल। तो जैसे आप रिकवर करना चाहते हैं रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस को एक बारी मैं कंप्लीट कर देता हूँ, वीडियो को थोड़ा स्किप करता हूँ। तो अभी गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोसेस है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले अपनी जो फोटोज है वो आपको सर्च करनी है। यहाँ पर सारी फोटोज आपको मिल जाएगी, प्रॉपर जो फाइल्स है, ऊपर आपको काउंटिंग भी मिलेगी कितनी फाइल्स आपके पीसी के अंदर आपको मिलती है। तो सिंपली उन फाइल्स को आपको सर्च करना है, थोड़ा टाइम लगाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली टाइप करके उन्हें सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर नेम टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ये फोटोज मैंने सर्च कर लिए है। तो सिंपली सभी फोटोज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर रिकवर का लास्ट में नीचे ऑप्शन आपको मिलता है, इस पर टैप करेंगे। जैसे रिकवर पे आप टैप करेंगे तो सिंपली अभी आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है जहाँ पर पीसी के अंदर इन फोटोज को, डाटा को आप रिकवर करना चाहते हैं, डेस्कटॉप में या किसी पर्टिकुलर फोल्डर में। देन आपको रिकवर पे टैप करना है। अभी आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में ये फोटोज आपकी रिकवर हो चुकी है। इसे आप चेक भी कर सकते हैं। व्यू रिकवर पे सिंपली आपको टैप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली दोस्तों अपनी जो पुरानी डिलीटेड फोटोज हैं, जो आपका डाटा है, वो रिकवर हो चुका है। तो यही गाइस एक सिंपल सी प्रोसेस है। सिंपली सॉफ्टवेयर को आपको पीसी के अंदर डाउनलोड करना है, देन आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है, उसके अंदर सारा आपका डाटा मिल जाएगा। फाइल्स को आपको सेलेक्ट करना है जो आप रिकवर करना चाहते हैं, एंड सिंपली वन क्लिक में आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका जो लाइसेंस है अपने नीड के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं, मंथली, ईयरली, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। ये थी गाइस आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।